जिला अस्पताल में शुक्रवार को एक 15 माह की बच्ची को गंभीर हालत में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। बच्चे ने खेलते समय विक्स की डिब्बी का ढक्कन निगल लिया था, जिसके कारण सांस अटकने पर वो बेहोश हो गया था। चिकित्सक डॉक्टर अनुपम अत्रे ने बताया कि ग्राम बीड़ से 15 माह की आरती को परिजन बेहोशी की हालत में लाए थे। उसके गले में ढक्कन अटकने की जानकारी पर बिना समय गवाए चार डॉक्टरों की टीम ने उसका उपचार किया और मशक्कत से ढक्कन निकाला, जिससे उसकी जान बच गई। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आर्तिक बच्चा लगभग 1.5-2 वर्ष के बीच का है और ये मूल निवासी ग्राम पीपल झोपा के रहने वाले हैं। अभी बीड़ में कार्य कर रहे हैं। वहाँ से बच्चे को ढक्कन निकलने की वजह से ये लाए थे। ये विक्स की डिब्बी का ढक्कन है, जो बच्चा पूरा निकल गया था। और यहाँ पे जिला चिकित्सालय में सर्जन्स की टीम, जिसमें ENT सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर चेतन चौहान, डॉक्टर गौरव पाटीदार और साथ में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर KS पटेल सर द्वारा इसे ढक्कन निकाला गया और तत्पश्चात ये PICU में भर्ती कर अभी इसका इलाज चालू है। अभी कैसे थी फिर? अभी बच्चा स्टेबल है, पर चूंकि ढक्कन निकला था तो उसकी वजह से गले में काफी सूजन है। उस सूजन के इलाज एवं श्वास में कोई तकलीफ न पड़े, इसके लिए उसका इलाज अभी चालू है। के लिए बड़ी घटना है, बताया जा रहा है कि साथ में व्यक्ति था वो उसको उल्टा करके लेकर आया था। जी देखिए, क्या होता है कि ढक्कन अगर अंदर श्वास नली में फंस जाता तो बच्चे की जान चली जाती। बच्चा यहाँ जब आया था तब भी वो निश्चेत मतलब अचेत ही था और बेहोशी की स्थिति में था, तो त्वरित उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके उसका ढक्कन निकाला गया एवं उसको फिर सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देके स्टेबलाइज किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।